वैभव, परिस्थिति प्रतिकूल तो हमारा कर्म का हिसाब है। पुण्य कर्म होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति सबको लगती है, हमें अनुकूलता लगेगी। जैसे एकदम गर्मी गर्मी है इधर वातावरण में, पर बुखार आ गया तो हमको लगता है चलो अच्छा है, गर्मी नहीं ठंडी में नहीं तकलीफ होगी। तो ये गर्म वातावरण भी हमें अच्छा क्यों लगता है? तो हमारा कर्म का उदय। और अच्छा वातावरण होगा तो हमें तबीयत बिगड़ गई है तो वही दुखदायी लगेगा, तो हमारा ही कर्म का उदय। यानी परिस्थिति हमारी दृष्टि से ये बुरी परिस्थिति है, अच्छी है, प्रतिकूलता अनुकूलता। पर उससे आगे की बात यह है कि हमारी दृष्टि बदल करो। तो सबसे ज्ञानियों की दृष्टि में प्रतिकूलता वो विटामिन है, अनुकूलता वो फूड है। मतलब दोनों में लॉस है ही नहीं। प्रतिकूलता आई तो भी डरने जैसी चीज़ नहीं, क्योंकि विटामिन विटामिन बहुत महंगा रहता है। अनुकूलता है फूड, तो फूड तो सही है शरीर को। तो जो भी परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल, हम हमारी दृष्टि बदल करें तो हमें वो दुखदायी नहीं लगेगा। समझ में आया आपको? शरीर में वेदना होती है तो ज्ञानी क्या बताते हैं कि वेदना तो अच्छा है, देह भाव हमारा टूटेगा, हम आत्मभाव में निरंतर रह सकेंगे। तो देह की वेदना में भी उनको अनुकूलता लगती है, पॉजिटिव देखते हैं। हमारी दृष्टि बदली करो। कभी कभार हमसे पाप कर्म हो जाते जाने अनजाने में। जाने हुए उतने तो आप सुधारो, अनजान की बात छोड़ो। जानबूझ के यानी अब मालूम है कि ये दुख नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हो गया तो हमारे मालूम हो गया ये क्रोध हुआ, किसी को दुख होता है तो दिल से पश्चाताप करो कि हे भगवान मेरे से ऐसा इस प्रकार दुख हुआ सामने वाले को, दिल से मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। जाने हुए दोष को तो धो डालो, अनजान वाले जब मालूम हुआ तब धो डालना। और हमारे दिल की भावना है कि मन वचन काय से संसार में कोई जीव को किंचित मात्र दुख नहीं देना है, तो ये भावना ही आपको दुखों से मुक्त कराएगी और दूसरे को हमारे निमित्त से दुख भी नहीं पहुँचेगा। दादा आपने अभी बताया कि हमें जो दुख होता है वो हमारे कर्मों से होता है। तो जो लोग होते हैं अपंग पैदा होते, किसी को हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते, किसी को आँखें नहीं रहती, तो उनका क्या? वो भी कुछ कर्म बांधा है। नहीं, घर में कुत्ता है तो हम लकड़ी से उसको पाँव नहीं तोड़ देते, बाद में इतना मारते उसका पाँव टूट गया तो वही दूसरी लाइफ में हमें भी आएगा। या किसी की मश्करी करते हैं, कोई शरीर की क्षति है, कोई इंद्रियों की, तो हम उसकी मश्करी करते हैं तो हमें वो इतनी मश्करी का दंड आता है कि दूसरी लाइफ में हमें वो शरीर में वो कोई अवयव की क्षति हो जाएगी। यानी हमें ही, हम खुद ही गुनाह करते हैं, हम खुद ही दंड भुगत लेते हैं, भुगतना ही पड़ेगा। यानी किसी को दुख मत दो, किसी की मश्करी मत करो, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, अभाव तिरस्कार मत करो, और हो गया तो दिल से पश्चाताप करो तो फिर कर्म थोड़ा कम हो जाएगा और गुनाह का दंड भी कम हो जाएगा। कोई भी गुनाह करने के बाद हम खुशी मनाते हैं तो गुनाह 10 गुना बढ़ जाएगा, और कोई भी गुनाह हो गया दिल से पश्चाताप करते हैं तो गुनाह का दंड आधा पाव मिलेगा, कम हो जाएगा दंड। समझ में आया आपको? धन्यवाद। पुष्पलता औरंगाबाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न है कि मृत होने के बाद आत्मा कहाँ जाता है और जब ही जन्म लेता है क्या वो? एक्चुअली मृत्यु का समय आया, उस टाइम पे लास्ट श्वासोश्वास चलते हैं, उस टाइम पे भीतर से आत्मा लंबा होता है। हाँ। और दूसरा गर्भ में पहुँचेगा नहीं, वहाँ तक दूसरा गर्भ मिलेगा वहाँ तक पहुँचता है एट ए टाइम। जैसे रबर का है, रबर का टुकड़ा हम लंबा किया वहाँ तक खींच लिया, उधर चिपकाया, बाद में ये छोड़ दिया, तो इसे आत्मा भी वहाँ गर्भ में पहुँचेगा, बाद में ये देह छोड़ देता है। एट ए टाइम दूसरे गर्भ में पहुँच जाता है, और कारण शरीर, तेजस शरीर और आत्मा तो दूसरे गर्भ में जाके मरने के बाद लगीच जन्म ले जाके वो तुरंत दूसरा जन्म हो ही जाता है, गर्भ में पहुंचेगा, बाद में जो भी प्रकार है 9 महीने के बाद जन्म होगा उसका, मनुष्य होगा। तो और दूसरा प्रश्न है, जो अपन पाप पुण्य करते अपना शरीर करता है कि आत्मा नहीं करता है ना? शरीर नहीं करता है, आत्मा भी नहीं करता, अहंकार करता है। अहंकार करता है बोले तो ये शरीर में 3 पार्ट है। एक ये फिजिकल बॉडी दिखती है। हाँ। पुष्पलता। बाद में दूसरा मैं पुष्पलता मानने वाला कोई है। हाँ।
नहीं पुष्पलता अच्छा काम नहीं किया, सबको दुख देती है, ऐसे कुछ कान में सुनाई दिया तो भीतर में दुख लग जाता है ना। मैंने कहा दुख दिया, जो पाप पुण्य करते तो मैंने कहा दुख दिया, कहने वाला अहंकार है और उससे ऊपर आत्मा है। अच्छा, तो तीन विभाग हो गए, देह अहंकार और आत्मा। और तो अहंकार होता है पाप पुण्य, अहंकार ये शरीर के द्वारा पाप पुण्य, किसी को मारने का है तो अहंकार से भाव करता है, अहंकार के एक मुट्ठी मारूंगा, तो ये मारने का भाव करने के बाद शरीर की क्रिया होती है, और शरीर की क्रिया करने वाला अहंकार है और अहंकार ही कर्म बांधता है। किसी को दुख देने से, वाणी से, विचार से या वर्तन से किसी को दुख देके पाप कर्म बांधता है, और वही अहंकार दूसरे को सुख देगा विचार से, वाणी से, वर्तन से, तो पुण्य बांधेगा। आत्मा को लेना देना नहीं है, आत्मा का नहीं, शरीर का है वो, शरीर और आत्मा के बीच में अहंकार है। अच्छा, जिसको देहाध्यास बोला जाता है वो अहंकार ही कर्म बांधता है और कर्म का फल अहंकार ही भुगतता है। समझ में आया? धन्यवाद। अरविंद लोनी, मैं इससे पहले मैं ध्यान दीक्षा लिया हूँ, अभी अभी आप जो कल दे रहे हैं वो ध्यान दीक्षा है, अभी तक तो मुझे शांति नहीं मिली है ध्यान से। ध्यान तो करता हूँ मैं हर रोज। हाँ, वो अलग है, मन की शांति के लिए है और ये कर्मों से मुक्ति के लिए है, यानी ज्ञान और ध्यान दोनों चीज़ अलग है। ध्यान करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि वो अरविंद करते हैं और ये आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। बाद में अरविंद को ध्यान करना है तो करे, न करना है तो न करे, और हम आत्मा की जागृति में अरविंद क्या करते हैं उसको जानने वाले देखने वाले रहेंगे। तो हमें आत्मा की पहचान कर लेनी है कि मैं ये करने की क्रिया करने वाला कौन है, मैं खुद कौन हूँ। अज्ञानते में ये अरविंद जो भी करते उसको मैं ही करता हूँ मानते हो, अहंकार करते हैं और वही कर्ता भाव से दूसरी लाइफ के कर्म बांधते रहते हैं, और जब तक अहंकार है वहाँ तक अशांति, दुख, उपाधि सब आते ही रहेंगे। और आत्मज्ञान हो गया तो अहंकार छूट जाएगा। बाद में अरविंद जो कर्म का हिसाब है करेंगे, ध्यान करना है कि जो भी कर्म का फल हिसाब, और आप आत्मा की जागृति में रहोगे तो कर्म बंधन भी नहीं होएगा और भीतर में आनंद भी रह सकेगा। और कभी महीने में दो बार मौन भी रहता हूँ, ये ठीक है? मन का मौन रखना चाहिए। नहीं, बच्चे ने कुछ नुकसान किया तो मौन के टाइम क्या करें, बाद में सोचते क्या, दूसरे दिन सुबह तेरे को सीधा करूंगा नहीं हो जाता है ना ऐसे? अच्छा, होता है कि नहीं मन में? होता है सर। तो मन का मौन चाहिए, तो वाणी का मौन, अभी मौन के बदले भले आप मौन रखते तो अच्छा है। नहीं, उस दिन मैं एकांत में, वो अच्छी बात है, पर अभी जो भी करना है करो, मगर आप ये भावना करनी चाहिए मेरे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार करना है, और दुख न हो जाए वो व्यवहार तो सारा धर्म का सार हो गया। ताकि दुख हम नहीं देते वाणी से, मौन रखा, मगर अभी घर में वाइफ बीमार है और हम दिन में मौन रखे एकांत में चले गए तो वाइफ को कितना दुख हो जाएगा, है ना? एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, मौन रखो। और उस दिन जिस दिन मौन लिया है उस दिन क्या करो, बचपन से लेके आज तक विचार से, वाणी से, वर्तन से या हमारी दृष्टि से हम कितने दोष किए हैं सभी की माफी मांगते जाओ। हाँ, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा मोक्ष मार्ग में। दूसरा प्रश्न है मेरा, वृत्तियों का कमी करने का उपाय आप बताइए। क्या अपने जो वृत्तियां आती है? हाँ, वृत्तियां क्या है, जब तक अहंकार है वहां तक वृत्तियां संसार अनुगामी होते ही रहेगी। बुद्धि अहंकार है वहां तक संसार अनुगामी वृत्तियां रहेगी, और आत्मदृष्टि मिल गई बाद में आत्मवृत्ति शुरू हो जाएगी, वृत्तियां क्षय होते जाएगी, निवृत्ति होते जाएगी और आत्म जागृति बढ़ते जाएगी। समझ में आया? तो कल ज्ञान से यही शुरुआत हो जाएगी, वृत्तियां बाहर फटकने का बंद हो जाएगा, आत्मा के प्रति उसका प्रयाण चालू हो जाएगा। और तीसरा इसका वही फल मिले, यही प्रकार से उपाय है। जब तक नहीं हम जलेबी खाते हैं और बाद में चाय पियेंगे तो चाय मीठी लगेगी, ऐसे आत्मा का सुख मिल गया बाद में वासनाएं सब अपने आप छूट जाती है, क्योंकि आत्मा का सुख मिला। जब तक आत्मा का सुख नहीं मिला वहां तक पांच इंद्रिय का सुख के लिए भटकते हैं, वृत्तियां बाहर भटकते जाती है, और आत्मा का सुख मिला बाद में वृत्ति आत्मा में आते जाएगी। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री दीपक जी, मैं आपका कार्यक्रम आस्था चैनल पे देखता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं मेरे परिवार को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षा है, अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो दुख उत्पन्न होके ही रहेगा।
यानी आप ये करो कि दुख न हो, ऐसे देखो सुख यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जाना ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट आना चाहिए ऐसी भावना रखते हैं, पर बिजनेस अच्छा नहीं चले तो हम क्या सोचते हैं, लॉस नहीं गया तो अच्छा है। तो ये पहले दुख न दो ऐसे व्यवहार शुरू करो, और चिंता के बदले प्रार्थना करो जो भी इष्ट देव है कि हमारे घर में परिवार में सुख शांति रहे, और किसी को हम दुख न दे, कोई किसी को दुख न दे। एक दूसरे को दुख देने का बंद हो गया तो पहले लॉस तो बंद हो गया, बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट का रास्ता हो जाएगा। और एक बात जरूर समझ लो कि चिंता करने वाले जैसे आप पानी में डूब रहे हो तो किसी को तार सकोगे? हाँ, आप पहले तैरना अच्छी तरह हो जाओ, बाद में दूसरे को हम बचा भी सकेंगे। ऐसे आप चिंता का सॉल्यूशन निकालो, चिंता करने के बदले प्रार्थना करो, और भीतर में चिंता करने का बंद कर दो। हाँ, तकलीफ है तो सॉल्यूशन करेंगे, उपाय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पर चिंता नहीं करेंगे। चिंता करने वाला खुद का भी नुकसान करता है, और चिंता से नेगेटिव वाइब्रेशन खड़े होंगे, नेगेटिविटी से नेगेटिव संयोग आएंगे और काम बिगड़ते रहेगा। यानी पॉजिटिव भावना करो, प्रार्थना करो। समझ में आया? दूसरा एक प्रश्न है सर, मेरे पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। अच्छा है ना, पर बुरे रास्ते पे नहीं जाता है ना? नहीं सर। देखो पानी तो नल में आता है, सारे घर में पानी टिकेगा तो क्या हो जाएगा? अरे गटर में जाने के लिए रास्ता चाहिए ही नहीं, तो घर में सब तकलीफ हो जाएगी। तो पैसा भी परमानेंट नहीं है। हाँ, उसका उपाय बुरे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दान है, परोपकार है, सेवा है, या भगवान में मंदिर में कुछ भी पॉजिटिव में एटलीस्ट 5% भी डालो। बाकी नहीं तो मोह में या माया लोभ बचाने के लिए कितना भी प्रयत्न करो तो चले तो जाने वाला ही, उसका भी लाइफ रहती है। दादाजी बता 11 साल रोकड़ पैसे की लाइफ 11 साल है। इस ये जो सोना सब रखोगे तो 80-100 साल की लाइफ, घर रखोगे तो दूसरे यानी प्रॉपर्टी में थोड़ा ज़्यादा लाइफ रहेगी। यानी पैसे का भी हिसाब है, कितना टिकेगा हिसाब है वाली बात है। हम ये भावना करने जगह हमारा पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए, और हम फैमिली में जितना भी पैसा वापरते हैं वो तो हमारी फर्ज है। फैमिली सिवाय दूसरे को कुछ डोनेशन दिया, मंदिर में डाला या किसी को हेल्प किया, गरीब को दान दिया, वो परोपकार में जाएगा। तो हो सके 2-5% दूसरे के लिए डालो तो उनको भी, और वही हमारे नेक्स्ट लाइफ के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिगना रेडिया भूसावल, चित्त शुद्धि साठी म्हणजे क्या करने का? चित्त शुद्धि के लिए कल ज्ञान ले लेने का। चित्त यानी ज्ञान प्लस दर्शन, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और दर्शन का जुड़ा हुआ पार्ट उसको चित्त बोला जाता है। तो चित्त की शुद्धि, ज्ञान और दर्शन की शुद्धि हो गई तो चित्त की शुद्धि बोला जाएगा। नहीं, मैंने ज्ञान तो लिया है। हाँ, तो हमारी चित्त की शुद्धि हुई, मगर बहुत सूक्ष्मतम लेवल से होती है। हाँ। और अभी जो हमारा चित्त भटकता है वो अशुद्ध चित्त, वो जिग्ना का है। और आपका शुद्ध चित्त हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान हमारा शुद्ध हो गया, दर्शन भी शुद्ध हो गया, यानी शुद्ध चित्त हमारा हुआ है और वही शुद्ध आत्मा बोला जाता है। अभी जिग्ना का जो अशुद्ध चित्त है उसको जुदा देखने का, कहाँ जाता है, कहाँ भटकता है, उसको क्या चाहिए, क्या भूख है, क्या मोह है, सबको जानने का, देखने का। और वो चित जब दूसरे के लिए नेगेटिव बताएगा, दुखदायी भाव करेगा तो प्रतिक्रमण कराने का। हाँ, ये धीरे धीरे शुद्ध होते जाएगा। और ये बुद्धि का तूफान बहुत होता है, पता चलता है कि ये, तो ये उसे एक ही उपाय करो, किसी को किसी के लिए नेगेटिव आता है, किसी के दोष देखते हैं, किसी को दुख देते हैं, उसके प्रतिक्रमण करो, उससे बुद्धि शांत होते जाएगी। गिरीश दत्तात्रेय, अहमदनगर। अभी मेरी उम्र 61 साल है, लेकिन अभी मुख से अनचाहे यानी कुछ बात करते वक्त जबान पर काबू नहीं रह सकता। मन ही में ये सोचता हूँ कि मेरे गलत बोलने से या कड़वी जबान से किसी का दिल को दुख पहुँच सकता है, ये जानते हुए भी मन में से कंट्रोल करके भी फिर से जबान पर, दिल में कंट्रोल करता हूँ लेकिन जबान पर ऐसी कुछ भाषा आ जाती है जिससे मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर सकता। ये नियंत्रण रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अभी इसके एक उपाय, पहला उपाय ये है कि कल ज्ञान ले लो, बाद में चरण विधि किताब मिलेगी, उसमें 9 कलमें लिखी है। ऐसे प्रार्थना है कि मेरे वाणी
स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद मनन करने की शक्ति दो। मेरी वाणी से किसी का अहम न दुभाए जाए ऐसी शक्ति दो। किसी के प्रति अभाव तिरस्कार न करे ऐसी शक्ति दो। ये प्रार्थनाएं करना। और तीसरा उपाय, रोज रात को बैठ के रोज सुबह उठना निश्चय करो, मेरे मन वचन काय से किसी को दुख नहीं देना है, या तो मेरी वाणी से किसी को दुख न पहुँचे, ठेस न पहुँचे, ऐसी दादा भगवान को प्रार्थना करो। और रात को 10 मिनट निकालो और सारे दिन में वाणी से किसी को दुख दिया गया है उसे प्रतिक्रमण करो। और थोड़ा आगे चौथा स्टेप, ऐसी वाणी मेरी क्यों निकलती है, पुलिस वाला सामने आएगा तो आपकी कठोर वाणी निकलती है? नहीं, उसके साहब साहब मेरी गलती, मेरी साइकिल साहब मेरी फेरी, तो वहाँ कैसे सीधे हो जाते हो? तो ये पुलिस वाला है ऐसा हमारा अभिप्राय है तो हमारी वाणी नरम हो जाती है। आप मेरे साथ कितने प्रेम से बात कर रहे हो, तो दीपक भाई के प्रति आपका पूज्य भाव है तो आपकी वाणी अच्छी निकलती है। और बैठे तो अभी तक बैठे रहता है, काम नहीं करता है, ध्यान नहीं रखता है, तो उसके प्रति नेगेटिव अभिप्राय है हमारे व्यक्ति के, और नेगेटिव अभिप्राय के वजह से नेगेटिव वाणी निकलती है। यानी व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव अभिप्राय रखो और भाव करो कि वाणी से किसी को दुख ना हो जाए ऐसी वाणी निकले। हाँ, धीरे धीरे ज्ञान के बाद थोड़ा चेंज होते जाएगा। हाँ हाँ, विशाल कदम। हाँ, घर में सिर्फ हम दो ही है, दो ही है मैंने पत्नी और आप। हाँ, तो फिर 61 साल हो गए, तो जब से शादी हुई आज तक कितने अभिप्राय के ढेर सारे अभिप्राय हो गए होंगे और वही नेगेटिव अभिप्राय सुधरती नहीं, समझती नहीं, चिड़चिड़ा हो जाता है। मन की बात छेड़ दी आपने। जो जो मेरे मन में था वो आपके जबान पे आ गया। और अभी है ना, क्या वो आए हैं क्या आपके घर वाले? नहीं आया ही नहीं। उनको बुला लेने का, ज्ञान दिला देने का, अहमदनगर है तो बाद में भविष्य में करो। अच्छा, पर उनको भी ज्ञान देने का, ये ज्ञान देने के बाद दोनों प्रतिक्रमण करो अपनी अपनी गलतियों के। जिसको शांति चाहिए वो अपनी गलतियों के प्रतिक्रमण करेंगे तो उसको शांति मिलेगी, बाकी सामने वाला सुधरेगा और हमें शांति मिलेगी वो जिंदगी में भूल जाने का। जय सच्चनारायण। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अंतर्मन और बहिर्मन में, अंतर्मन और बहिर्मन क्या है, उसमें कैसा फर्क किया जा सकता है और किसको प्रायोरिटी पहली देनी चाहिए? एक्चुअली अंतर्मन और बहिर्मन एक ही है, मन की अवस्था है। भीतर में मनता है कि मेरे अंतर्मन ऐसे बताता है, बाहर में मुझे ज़्यादा विचार आते हैं उसको बहिर्मन बोलते हैं। मगर सचमुच मन के दो प्रकार है, भाव मन, द्रव्य मन, यानी कॉजेज वाला मन है, दूसरा इफेक्ट वाला मन है। भाग में अंतर्मन, बाह्य मन, या तो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब एक ही मन की अवस्थाएं हैं। और चार्ज मन वो इतना सूक्ष्म है कि आदमी को मालूम हो ही नहीं सकता, वो अज्ञानता से सूक्ष्म में चार्ज होते रहता है। हम जो देख सकते वो द्रव्य मन है, यानी डिस्चार्ज मन है, जिसके थॉट्स आते रहते हैं जिसमें, वो मन है। और मन को हम बुद्धि पढ़ सकती है, तो ये द्रव्य मन है, डिस्चार्ज मन है। समझ में आया? समझ में। दीपक भाई, एक मेरी रिक्वेस्ट थी, मेरे आई और बाबा ने पुणे में आपसे ज्ञान लिया था, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरी माँ आ नहीं सकी यहाँ पे, क्योंकि वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हो गया है। उसने चिट्ठी भेजी है आपको, और आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, बस यही विनती है मेरी। ठीक है, हाँ, चिट्ठी भेज देना, आशीर्वाद हम प्रार्थना करेंगे। जय सच्चिदानंद। गोविंद रामा राव उदगिरी। दीपक भाई, मेरा ये सवाल है, मेरा जो बिजनेस है उस वजह से मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो मेरे हाथ से वो पाप होता है क्या, ऐसा मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, जितना हो सके उतना सच बोलो फर्स्ट, और समझ लो झूठ बोलना ही पड़े अथवा तो ऐसे कुछ निकल गया शब्द, तो रोज़ रात को बैठ के 10-15 मिनट निकालने की, और सारे दिन में या सब बिजनेस में कभी कभी ऐसे झूठ बोला गया और जिस व्यक्ति के साथ बोला है उनके ही शुद्धात्मा को याद करके इस प्रकार झूठ बोल के बिजनेस किया, दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, दिल से पश्चात आप लोग, हाँ, जिम्मेदारी कम हो जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रामदास शिंदे सतारा। जय सच्चिदानंद। सांसारिक जीवन बिताते समय अच्छे बुरे कर्म होते, लेकिन सामाजिक मान्यता यह है कि इसे जीवन में ही उसका फल भुगतना पड़ता है, इसके बारे में आप मार्गदर्शन करिए। सचमुच तो इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके हमें फल मिले हैं ऐसे लगता है, पर सचमुच कर्म जो सचमुच करते हैं, कर्म बीज, वो इस जन्म में हमें मालूम भी नहीं, हम तो
बस ये कल होटल में खाया, दो दिन से पेट में बीमारी आ गई। जैसे एक होटल में खाया वो कर्म है और हमें बीमारी आई कर्मफल, ऐसे लगता है। पर सचमुच होटल में क्यों खाया, आपने खाया दूसरे ने नहीं खाया, तो ये कर्म बीज पिछली लाइफ में आता है। तो वो कर्म बीज बहुत सूक्ष्म है पिछली लाइफ का, और वो कर्म बीज वहाँ है उसका कर्मफल इस लाइफ में आता है, और कर्मफल का परिणाम इस लाइफ में आता ही है। तो कर्म बीज पिछली लाइफ का है, कर्मफल इस लाइफ में, और कर्मफल का परिणाम भी इस लाइफ में, और कर्म भुगतने के कर्मफल भुगतने के टाइम नए कर्म बीज गिरते हैं, कर्मफल परिणाम भुगतने के टाइम नए बीज गिरते हैं, और बीज के फल इस लाइफ में नहीं आएंगे, उस दूसरी लाइफ में आते हैं। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।